स्टूडेंट्स केपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। टुडे वी विल स्टडी क्लास 4 मैथ्स लेसन 6 एक्टिविटी 4। मैथ्स में लेसन 6 की एक्टिविटी 4 की स्टडी यहां पे करेंगे। लेसन 6 डिवाइड से रिलेटेड है, तो इसमें क्वेश्चन में डिवाइड एंड चेक योर आंसर, डिवाइड कीजिए और अपने आंसर को चेक कीजिए। हमने जो है ये एक्टिविटी 2 में किया है, एक्टिविटी जो हमारे एक्टिविटी 2 में हम चेक कर चुके हैं उससे रिलेटेड ये। सबसे पहले तो डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड के जो सिंबल है उसके अंदर लिखेंगे यहाँ पे 4 डिजिट नंबर है 4787। डिवाइड बाय 9 से डिवाइड करना है, तो 9 की टेबल जो है वो हमें लर्न होना जरूरी है। 9 की टेबल का यूज करते हुए हम जो है वो ये डिवाइड करेंगे। तो 9 की टेबल में 12 वन डिजिट है, तो अंदर से 1 डिजिट 4 लेंगे। 4 9 की टेबल में नहीं आता है, तो क्या करेंगे 2 डिजिट लेंगे 47। तो 9 की टेबल में 47 से स्मॉल होता है 45 95 है, और ये सबट्रैक्ट करेंगे तो 7 में से 5 जाने पर 2, 4 में से 4 जाने पर 0। ये नेक्स्ट 8 जो है वो यहाँ 2 के पास आ जाएगा, तो नंबर बना 28। 9 की टेबल में 28 से स्मॉल होता है 27। 27 इस टाइम 3 टाइम 9 3 27, जब इनको सब्ट्रैक्ट किया तो 1 बचा और ये 7 जो 1 के पास है 17 रिमाइंडर है। तो 9 के टेबल में 17 से स्मॉल 9 होता है, तो 9 1 जाना होता है। इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन तो 1 से ज्यादा जो रिमाइंडर रहेगा वो आएगा 8, रिमाइंडर रहेगा 8। यहाँ पर हमारा डिवाइड कंप्लीट हो जाता है। तब हमारा डिवाइड राइट है या रॉन्ग है ये कैसे पता चले, तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास ये चेक का फॉर्मूला है जो हमने एक्टिविटी 1 में किया था, तो उससे रिलेटेड ही है ये। उससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा डिवाइड सही है या नहीं है। तो एक्टिविटी सेकंड में चेक का फॉर्मूला था, एक्टिविटी सेकंड में हमने चेक करना लर्न और स्टडी किया था चेक करने से रिलेटेड डिवाइड को, तो वही यहाँ पर है। फॉर्मूला था डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। इससे हम अपने डिवाइड को चेक कर सकते हैं कि वो राइट है या रॉन्ग है। तो डिविडेंड क्या होता है, मैंने एक्टिविटी 2 में आपको अलग से सबको डिस्क्राइब किया था कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। उस एक्टिविटी के वीडियो को आप जरूर चेक करेंगे। तो डिविडेंड क्या होता है वापस रिपीट करता हूँ, जिस नंबर में हमें डिवाइड लेना है वो हमारा डिविडेंड होता है। तो नंबर है 4787, ये होता है डिविडेंड। डिवाइजर क्या होता है, जिस नंबर का डिवाइड लेना है यानी 9, तो हमारा डिवाइजर हुआ 9। क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन होता है हमारा जो आंसर है 531, ये हमारा आंसर है 531 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है, जो डिवाइड करने के बाद में जो नीचे बसता है वो हमारा रिमाइंडर है, तो 8 हमारा रिमाइंडर हुआ। अब इस वे में हमें जो है वो डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना है। इधर जो वो लेफ्ट साइड है राइट साइड को सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा जो है वो लेफ्ट के इक्वल आएगा, तो हमारा डिवाइड बिल्कुल करेक्ट है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई और प्लस दोनों का साइन है, तो ऐसे में हमें हमेशा पहले मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप रफली जाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 9 1 9 9 3 27 2 9 5 45 2 47 प्लस 8। तो जब 8 को प्लस करेंगे 9 8 17 1 7 पे लगेगा, तो 7 और 1 हो गया 8, 4787। तो देखिए लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड इक्वल है, इट मींस हमारा जो डिवाइड था वो कंप्लीट सही था। तो इस वे में हम डिवाइड करके उसे चेक भी कर सकते हैं। तो इस वे में आप चेक करेंगे कि हमारा आंसर जो क्वेश्चन 1 है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट डिवाइड जो है हमारा 8 नंबर वो है 9289 डिवाइड बाय 34 से डिवाइड करना है। तो आपको ये जो टेबल है 34 की, ये आपको रफली जो है वो रफ में राइट करनी है, और उस टेबल की हेल्प से जो है वो आपको ये डिवाइड करनी है।
कंप्लीट करना है हमें आपके हेल्प के लिए। टेबल यहाँ पर जो है 34 की यहाँ पर लिखी है, इसकी हेल्प करनी होगी अपने को डिवाइड में। तो हम सबसे पहले डिवाइड का सिंबल बनाते हैं 9289 डिवाइड बाई 34। तो बाहर टू डिजिट है तो अंदर से टू डिजिट लेंगे 92। अब 92 से स्मॉल टेबल में तो 92 से स्मॉल जो है वो 68 हुआ, तो 68 यहाँ पर लिखेंगे 68 टू टाइम। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो 2 में से 8 जाता नहीं, इससे कैरी कीजिए तो 12 में से 8 जाने पर 4, यहाँ 8 हुआ, 8 में से 6 जाने पर 2, 24। और ये नेक्स्ट नंबर जो है 8 के इसके पास में लिखेंगे तो 248 बना लेना होगा। तो 248 से स्मॉल 238 272, तो उससे जो है वो बड़ा हो जाता है, 238 यहाँ पर लिखेंगे 238। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितने टाइम है तो 34 7 जा 238 होता है तो 7 टाइम, तो 8 0 10। और लास्ट जो डिजिट है 9 वो यहाँ पर लिखेंगे तो 109 आया। 109 से स्मॉल जो टेबल में होता है वो 102 होता है, तो 3 टाइम। और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर हुआ 7। ये हमारा डिवाइड कंप्लीट हो गया, हमारा परसेंट हुआ 273 और हमारा जो रिमाइंडर हुआ वो हुआ 7। चेक करने के लिए फॉर्मूला डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई परसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या होता है, जिस नंबर में हमें डिवाइड देना है 9289 इज इक्वल टू डिवाइजर जिसका हमें डिवाइड देना है 34 मल्टीप्लाई परसेंट। तो परसेंट क्या है, परसेंट है हमारा 273 प्लस रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है 7। तो 34 का मल्टीप्लाई करना है 273 से, तो 34 का मल्टीप्लाई करते हैं 4 3 12 1 कैरी 7 4 7 28 एंड 129 का 9 यहाँ और 2 कैरी और 4 2 8 और 2 10। ये 1 डिजिट से कंप्लीट होते ही हमारा जो आंसर है उसके बाद हम इसके नीचे क्रॉस का साइन और कैरी रेज करेंगे। अब 3 टेबल 3 टाइम 3 3 जाना है 3 7 21 और यहाँ और 2 कैरी और 3 2 6 और 2 कितने होते हैं 8। इनको जो प्लस करेंगे तो 2 9 9 18 1 कैरी 1 एंड 1 2 और ये 9 8 और 1 9 तो 9282 प्लस कीजिए 7। तो जब 7 इसमें प्लस करेंगे तो 7 2 9 8 7 2 7 और 9 7 9189। तो लेफ्ट साइड से एकदम इक्वल वाइज मीन्स हमारा जो डिवाइड है वो करेक्ट है, तो इसलिए में हम डिवाइड को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर जो डिवाइड है वो है 8888 डिवाइड बाई 36। तो सबसे पहले सैंपल के अंदर 8888 लिखेंगे और 36 बार 36 की टेबल मैंने आपके हेल्प के लिए यहाँ पर रखी है। इस टेबल का यूज करते हुए आप जो है वो किसी भी डिवाइड कर सकते हो। तो 36 में 2 डिजिट है तो अंदर से 2 डिजिट 88 है, 88 से स्मॉल टेबल में है 72, तो 72 यहाँ नीचे लिखा और इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए। 36 टू जा 72 होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 2 जाने पर 6 और 16 रिमाइंडर बचा 16। अब नेक्स्ट डिजिट जो है 8 को यहाँ लिखिए तो 168 हुआ 36 की टेबल में, 168 से स्मॉल होता है 144 फोर टाइम, 36 फोर जा 144 फोर टाइम। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 में से 4 जाने पर 2, 6 में से 4 8 में से 4 जाने पर 4 सॉरी और 6 में से 4 जाने पर 2। नेक्स्ट 8 यहाँ पर तो 248 36 के टेबल में 248 से स्मॉल 216 36 6 जा 216 6 टाइम 216। और इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 6 जाने पर 2, 4 में से 1 जाने पर 3, 32 रिमाइंडर हो। तो हम हमारा जो फॉर्मूला है चेक करने का डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई परसेंट प्लस रिमाइंडर में सेट।
इज इक्वल टू डिवाइजर क्या होता है, डिवाइजर जिसका डिवाइड दिया है हमने 36, क्वेश्चन क्या होता है 246, जो हमारा आंसर आया और रिमाइंडर जो नीचे है प्लस में 32 लिखेंगे। अब जो है इनको हम चेक करेंगे, तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई हम करते करेंगे 246 का 36 से, 36 का डिजिट 6 जो है इसका 246 से 6 इज 36, 3 के लिए 64 जा 24 और 327 का 7 यहां टू के लिए 62 जा 2 है और 214 वन डिजिट का कंप्लीट होते के लिए ये करेंगे और लास्ट डिजिट जो यहां से का उसके नीचे क्रॉस का साइन 36 जा 36 जा 18 का 8 यहां 1 के लिए 4 के ऊपर 34 जा 2 है और 1 13 का 3 यहां और 1 के लिए 32 जा 6 और 1 हो गया 7, तो हमारा आंसर हुआ 6 8 7 15, 4 एंड 4 हो गया 8 और ये भी 8 8 5 6, 8 8 5 6 प्लस 32 जो रिमाइंडर प्लस करना है हमें, केवल इन दो का मल्टीप्लाई किया है, नेक्स्ट 32 इसमें प्लस करेंगे तो लास्ट डिजिट है, तो लास्ट डिजिट में प्लस कीजिए 26 में 268358 और ये सीमा देंगे ये थे, तो 8888 जो है वो हमारा आंसर होगा, डिविडेंड होगा 8888, ठीक है 8888 हमारा आंसर, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हो गई, मींस हमारा जो डिवाइड है वो बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 10 है, 7896 में डिवाइड देना है 42 से, तो 42 की टेबल मैंने यहाँ पर आपको राइट कर दी है, तो डिवाइड करते हैं 7896 सिंबल में 42, टू डिजिट है तो अंदर से टू डिजिट 78 से स्मॉल, 84 तो लार्ज हो जाता है, तो 42 बन जा 42 वन टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 8 में से 2 जाने पर 6, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3, नेक्स्ट नंबर जो 9 है वो यहाँ पर लिखा 369 से स्मॉल हुआ 336 8 टाइम 42 8 का होता है 336, जो माइनस करेंगे 9 में से 3 माइनस होगा 6 माइनस होगा तो 3, 6 में से 3 होने पर 3 होगी 0, नेक्स्ट नंबर यहाँ पर लिखा 336 336 टेबल में मिल जाता है कंप्लीट 8 टाइम, तो रिमाइंडर हुआ 0। डिविडेंड हुआ 7896, ये आपको एकदम करेक्ट देख कर लिखने हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने रॉन्ग डिजिट लिखे थे तो हमारा जो राइट साइड का आंसर था वो मैच नहीं हुआ था, तो इससे हमें पता चल सकता है कि हमने कहाँ पर गलती की और उसे चेक कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। डिवाइजर डिवाइजर है 42, क्वेश्चन क्वेश्चन है 188, डिविडेंड जिसमें डिवाइड देना है, डिवाइजर जिसका डिवाइड देना है, क्वेश्चन हमारा आंसर और रिमाइंडर यहाँ पर है 0, तो हमें 42 का जो है वो डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 188 से, तो 188 मल्टीप्लाई बाय 42, तो सबसे पहले 2 से 2 8 जा 16 का 6 यहाँ 1 के लिए 2 8 जा 16 एंड 1 17 का 7 यहाँ 1 के लिए 2 1 जा 2 एंड 1 3 और कंप्लीट होते ही लास्ट डिजिट के नीचे क्रॉस का साइन और के लिए ये सी, और 4 की टेबल 8 टाइम 4 8 जा 32 का 2 यहाँ 3, नेक्स्ट 8 के ऊपर 4 8 जा 32 एंड 3 35 का 5 यहाँ और 3 के लिए 1 के ऊपर 4 1 जा 4 और 1 हो गए 4 1 जा 4 और 3 हो गए 7, प्लस करेंगे 6 9 5 और 3 8 7 7 8 9 6 7896 प्लस 0, यहाँ पर 0 प्लस करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा राइट एंड लेफ्ट का कॉम्बिनेशन इक्वल हो गया, इसका मतलब हमारा डिवाइड जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो इस वे में जो है वो हम इस लेसन से रिलेटेड सभी डिवाइड जो है वो कर सकते हैं। तो इस लेसन में आपके
थ्रू इस वीडियो को समझते हुए, और जो भी टेबल्स हैं वो आप साइड में रख लिए प्लस करके लिख सकते हैं, चाहे कौन सी भी टेबल हो। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड वॉच दिस वीडियो एंड डू दिस एक्टिविटी इन योर मैथ्स फेयर नोटबुक। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।